सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साइड में लगे हुए उसके आइकन बेल के बटन को, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। हेलो ऑफ यू, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ये जो टॉपिक मैं आज लेके आया हूँ वो है आपका व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होलो शाफ्ट एंड सॉलिड शाफ्ट इफ बोथ द शाफ्ट हैविंग सेम मटेरियल, या कह सकते हैं इफ बोथ द शाफ्ट हैविंग सेम वेट। ओके, अगर यदि दो शाफ्ट हैं, एक होलो शाफ्ट है एक सॉलिड शाफ्ट है, दोनों का अगर सेम वेट है तो उस कंडीशन में जो है दोनों के बीच में जो है डिफरेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। तो हम आज की इस वीडियो में होलो शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट के डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर वन, अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, तो जो हमारी जो होलो शाफ्ट है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द सॉलिड शाफ्ट। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर टू अगर लेते हैं स्टिफनेस, अगर हम स्टिफनेस की बात करें तो जो हमारा होलो शाफ्ट है उसकी जो स्टिफनेस है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द सॉलिड शाफ्ट। ओके, इसके बाद हम लेते हैं पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड हम देखते हैं स्ट्रांगनेस। अगर हम स्ट्रांगनेस की बात करें तो जो हमारी होलो शाफ्ट होती है उसकी जो स्ट्रांगनेस है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द सॉलिड शाफ्ट। इसके बाद हम बात करें पॉइंट नंबर फोर। पॉइंट नंबर फोर हम लेते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जो हमारी होलो शाफ्ट होती है उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द सॉलिड शाफ्ट। ओके, अब पॉइंट नंबर फाइव कोस्ट। अगर हम कोस्ट की बात करें तो कोस्ट को लेकर अगर हम देखेंगे तो जो हमारी होलो शाफ्ट है उसकी कोस्ट बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द सॉलिड शाफ्ट। ओके, इसके बाद पॉइंट नंबर सिक्स। पॉइंट नंबर सिक्स अगर हम लेते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। अगर हम बेंडिंग स्ट्रेस की बात करें तो उसमें जो हमारी होलो शाफ्ट है उसकी जो बेंडिंग स्ट्रेस की प्रॉपर्टी है वो कम होती है एज कंपेयर टू द सॉलिड शाफ्ट, या फिर हम कह सकते हैं जो बेंडिंग स्ट्रेस की जो प्रॉपर्टी है वो हमारी सॉलिड शाफ्ट की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द आपका होलो शाफ्ट। ओके, पॉइंट नंबर सेवन। अगर हम पॉइंट नंबर सेवन लेते हैं, हम लेते हैं टॉर्क। जो हमारी होलो शाफ्ट होती है वो जो है मैक्सिमम या बहुत ज्यादा टॉर्क जो है ट्रांसमिट कर सकती है एज कंपेयर टू द आपका सॉलिड शाफ्ट। पॉइंट नंबर एट, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हम देखें जो हमारी जो होलो शाफ्ट होती है उसका जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण जो है हमारी जो शाफ्ट है होलो शाफ्ट जो है वो मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिट कर पाती है एज कंपेयर टू द सॉलिड शाफ्ट। ठीक है, पॉइंट नंबर नाइन, पावर ट्रांसमिशन। पॉइंट नंबर नाइन जो है मैंने लिया आपका पावर ट्रांसमिशन। अगर हम पावर ट्रांसमिशन की बात करें तो जो हमारी होलो शाफ्ट होती है वो पावर जो ट्रांसमिट करती है वो कम करती है एज कंपेयर टू द सॉलिड शाफ्ट। ओके, और इसके बाद हम लास्ट लेते हैं पॉइंट नंबर टेन। पॉइंट नंबर टेन अगर हम देखें कि होलो शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट को अगर आप अगर उसको पहचानना चाहते हैं तो जो होलो शाफ्ट होती है उसका जो इंटरनल जो उसका सेंटर होता है वो होलो रहता है, और जो हमारी जो सॉलिड शाफ्ट है वो हमारी कंप्लीट जो है सॉलिड होती है। ठीक है, उसमें किस तरह कोई होलो वो सेक्शन नहीं होता है, वो कंप्लीटली सॉलिड रहती है, और जो हमारी होलो शाफ्ट होती है वो सेंटर से आउटर की तरफ जो है वो होलो रहती है। ओके, तो आज की इस वीडियो में जो मैंने आपको जो है सॉलिड होलो शाफ्ट एंड सॉलिड शाफ्ट के बीच में जो डिफरेंस बताए हैं, आई होप सो आपको अच्छे से जो है ये जो पॉइंट्स हैं समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।